use the other thing. Assalamu alaikum students, I am Arsal from the platform of Al Khair Academy. In today's lecture, we shall discuss the chapter number 3 of the novel Goodbye Mr. Chips. Students, I shall translate these lines into Urdu. Hopefully, books are open in front of you. You must have to listen to me very carefully. So, let's start. It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wickett let to him. स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर चिप्स जो थे वो रिटायर्ड हो गए थे आफ्टर टीचिंग अबाउट 1913. उस साल में वो टीचिंग अबाउट जब वो 65 इयर्स के थे तो रिटायर हुए थे. तो फिर वो कहाँ रहने के लिए आ गए थे? एट मिसेस विकेट्स. मिसेस विकेट जो कि स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क के उस पार उनका घर था, वो वहाँ एज अ रेंट, एज अ टेनेंट, किराएदार के तौर पर आ गए थे. तो वो उस रूम की डिस्क्रिप्शन यहाँ बयान की जाएगी कि वो किस रूम में शिफ्ट हुए थे आफ्टर रिटायरमेंट. इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कम्फर्टेबल एंड सनी रूम. ये छोटा लेकिन बड़ा कम्फर्टेबल और सनी था, जिसमें सूरज की रोशनी आ सकती थी. दैट मिसेज विकेट लेट टू हिम, जो मिसेज विकेट ने उन्हें किराए पर दिया. द हाउस इट सेल्फ वॉज अगली, जो घर था वो बताते खुद कोई बहुत अच्छा नहीं था. इट वॉज अगली एंड प्रिटेंशियस. प्रिटेंशियस भी कहते हैं कि जो थोड़ा सा बनावटी किस्म का हो, ठीक है, जिसमें थोड़ा शो ऑफ दिखावा किया जाए. बट दैट डिड नॉट मैटर, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था. इट वॉज कन्वीनियंट, ये आरामदेह था. दैट वॉज अ मेन थिंग, और वही बुनियादी बात थी. फॉर ही लाइट, जैसा वो पसंद करता था. इफ द वेदर वर माइल्ड इनफ, अगर मौसम कुछ माइल्ड होता. अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन बता दूं कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट काइंड ऑफ रूम वॉज लेफ्ट टू हिम? वॉज लेफ्ट टू चिप्स, ठीक है. चिप्स को किस किस्म का जो रूम था वो किराए पर दिया गया, या किस किस्म के रूम में शिफ्ट हुआ, ठीक है. तो आपने बताना है कि इट वॉज अ स्मॉल कंफर्टेबल एंड अ सनी रूम. जी, फिर उसके बाद उसकी क्या एक्टिविटी थी? फॉर ही लाइट, इफ द वेदर वर माइल्ड इनफ टू स्ट्रोल अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड्स, टू द प्लेइंग फील्ड्स, अगर मौसम कुछ माइल्ड होता, ना ज्यादा सर्दी होती, मुनासिब मौसम होता, तो वो स्ट्रोल करता हुआ, चहलकदमी करता हुआ प्लेइंग फील्ड्स में जाता इन एन आफ्टरनून, सपैर में, एंड वॉच द गेम्स, और खेलों को देखता. ही लाइक टू स्माइल, वो मुस्कुराना, मुस्कुराहट देना, पास करना पसंद करता. एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स, और चंद लफ्जों का तबादला करना भी पसंद कर किया करता विद द बॉयज, लड़कों के साथ. व्हेन दे टच देयर कैप्स, जब उसको देख कर अदब से झुकते सलाम करते. ही मेड अ स्पेशल पॉइंट, उसने एक खास मौका बना रखा था, तरीका कार सेट कर रखा था, ऑफ गेटिंग टू नो, कि वो जानने, इल्म हासिल करे, मालूमात हासिल करे ऑल द न्यू बॉय, तमाम नए लड़कों के बारे में. एंड हैविंग देम टू टी, और उन्हें चाय पर बुलाए विद हिम, उसके साथ. ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म, उनकी पहली टर्म के दौरान, जब भी नए स्टूडेंट्स ब्रूफील्ड आते या कोई नया टीचर ब्रूफील्ड आता, तो क्या करता, उनकी फर्स्ट टर्म के दौरान इनको चाय पर बुलाता, उनसे बातचीत करता, ताकि वो उनके बारे में को थोड़ा बहुत जान सके, इंटरेक्शन बना सके. ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक, वो हमेशा एक वॉलनट का केक जनाब ऑर्डर करता, विद पिंक आइसिंग, जिस पर एक पिंक कलर की बखन की तरह चढ़ी होती, फ्रॉम रेड वेज, दुकान का नाम है रेड वेज, वहाँ से, इन द विलेज गाँव में. एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म, और सर्दियों की टर्म के दौरान, देयर वर क्रम्पिट्स टू, अ लिटल पाइल ऑफ देम, उनका छोटा सा ढेर लगा लेता इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने, इन सारी चीज़ों का वो ढेर की शक्ल में आग के सामने उगवा लेता. सॉफ्ट इन बटन, मक्खन से तह तर होती, सो दैट द बॉटम वन ले, यहाँ तक कि जो सबसे निचली तह, इन अ लिटल शैलो पूल, यूं लगता कि छोटे से शहर कम गहरे पूल में है वो मक्खन की तह, इतनी ज्यादा होती सबसे निचली तह में. हिज गेस्ट, उसके जो मेहमान थे, फाउंड इट फन, इसको बड़ा इंजॉय करते, टू वॉच हिम मेक टी, जब वो चाय बना रहा होता, मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल, बड़े एहतियात से चम्मच भर भर के, फ्रॉम डिफरेंट कैडीज, मुख्तलिफ बर्तनों से, जब वो अपने मेहमानों के लिए जब खुद चाय बनाता मुख्तलिफ बर्तनों से, चम्मच से चीजें भर भर के, तो देखने वाले बड़ा इंजॉय करते. एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज, और वो नए लड़कों से पूछता, वर दे वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं. एंड इफ दे हैड फैमिली कनेक्शन, और अगर उनके खानदानी ताल्लुकात हैं एट ब्रूकफील्ड में, मतलब अगर उनका कोई जानने वाला अजीज, कुछ एल्डर यहाँ पढ़कर गया है कि नहीं. ही केप्ट वॉच टू सी, वो ध्यान रखता,
दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, कि उनकी प्लेटें कभी खाली ना रहें, एंड पंक्चुअली एट 5 आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर, और बड़ी रूटीन से एग्जैक्ट 5 बजे जब उनका सेशन को शुरू हुए 1 घंटा हो चुका होता, ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक, वो घड़ी पर नजर डालता एंड से और कहता, वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू लाइक दिस, कहता आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, आई एम सॉरी यू कैन नॉट स्टे, मुझे अफसोस है मजीद आप नहीं रुक सकते, एंड ही वुड स्माइल और वो मुस्कुराता, एंड शेक हैंड विद देम और उनसे हाथ मिलाता, इन द पोर्च बरामदे में, लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड, उन्हें सड़क पर छोड़ता कि वो रोड क्रॉस करें टू द स्कूल, स्कूल तक विद देयर कमेंट्स, अपने कमेंट्स के साथ, ठीक है, उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आता, तो जब वो बच्चे कमेंट्स पास करते, डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स, चिप्स अच्छा शख्स है, गिव्स यू अ जॉली गुड टी, बड़ी अच्छी चाय पिलाता है, एनी हाउ एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, लाइक और आपको पता होना चाहिए कब वो आपको गुड बाय कहना चाहता है, एंड चिप्स आल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट, और उनके जाने के बाद चिप्स भी उनके बारे में कमेंट्स पास करता मिसेस विकेट के साथ, देन शी एंटर्ड हिज रूम, जब वो उसके कमरे में आती टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी, पार्टी की जो चीज़ें बची कुची हैं उनको समेटने के लिए जब वो आती, तो चिप्स भी उनसे कुछ बातें किया करता अबाउट द स्टूडेंट्स, अ मोस्ट इंटरेस्टिंग मीटिंग मिसेज विकेट, मिसेज विकेट बड़ी ज़बरदस्त एक मुलाकात रही बच्चों के साथ, यंग ब्रैक्सम टेल्स मी दैट हिज अंकल वॉज मेजर कॉलिंगवुड, मुझे ब्रैक्सम ने बताया कि मेजर कॉलिंगवुड उसका अंकल था, द कॉलिंगवुड वी हैड देयर इन नॉट टू आई थिंक इट वॉज, वही कॉलिंगवुड जो हमारे पास स्कूल में था, डियर मी आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल, ओहो मुझे याद है बहुत अच्छे से कॉलिंगवुड, आई वॉज थ्रैश इन, एक मरतबा मैंने उसको पनिश किया फॉर क्लिम्बिंग ऑन द जिमनेजियम रूफ, जब वो जिमनेजियम की छत पर चढ़ा था टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, गटर से बॉल निकालने के लिए, माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, अपनी गर्दन तोड़वा सकता था, द यंग फूल, नौजवान अहमक, Do you remember him, Mrs. Wicket? He must have been in your time. आपको याद है कॉलिंगवुड आपके दौर में भी था? Mrs. Wicket, before she saved some money, Mrs. Wicket कुछ पैसे बचाने से पहले had been in charge of the linen room at the school. तो वो स्कूल में लाइनिंग रूम में इंचार्ज थी. वो कहती हैं, Yes, I knew him. जी जनाब मैं उसे जानती हूँ सर. Cheeky was to me. मेरे साथ थोड़ी बदतमीजी करता था generally आमतौर पर. But never no bad words between us. लेकिन कोई इतनी बुरी बात हमें नहीं हुई. जस्ट चीकी लाइन बस जरा बदतमीज था. नेवर मैन टू हार्म, उसका मतलब कभी तकलीफ पहुंचाना नहीं था. दैट काइंड नेवर डज सर, इस तरह के लोग कभी नहीं नुकसान पहुंचाते. वॉज नॉट इट एम दैट गोट द मेडल सर, ये वही नहीं था जिसको मेडल भी मिला था? यस अ DSO, हाँ एक DSO का मेडल मिला था. विल यू बी वॉन्टिंग एनीथिंग एल्स सर, मिसेस विकेट पूछते जनाब आप कुछ और चाहिए होगा? नथिंग मोर नाउ टिल चैपल टाइम, कहता है चैपल टाइम तक मुझे कुछ नहीं चाहिए. ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट, कॉलिंगवुड इजिप्ट में मारा गया. आई थिंक यस यू कैन ब्रिंग माई सपर बाउजन, हाँ मेरा ख्याल है तुम तब तक मुझे मेरा रात का खाना ला देना. वेरी गुड सर, बहुत अच्छे जनाब. सो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आज के लेसन में करेंगे. मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा था, बट काइंड ऑफ रूम वॉज लेट टू चिप्स, ठीक है, उसके बारे में अभी जो हमने पढ़ा, who was Mrs. Wicket, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. यहाँ एक और नाम भी हमने पढ़ा, who was Collingwood, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है. ये तो क्वेश्चन जो थे दो तीन मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए, आपने अपनी बुक्स पर भी देखना है, जितने आंसर क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं उनको भी आपने अच्छे से रिवाइज करके सारे क्वेश्चन को, कोई छोड़ना नहीं है, रिटन फॉर्म में मुझे सबमिट करवाना है, तब तक लाभ.